नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इंडिया नॉलेज शो में स्वागत है। विश्व के हर मंच पर मात खा चुके इमरान खान ने भारत को दी परमाणु हमले की गीदड़ भभकी। इतनी औकात हो गई इमरान खान की परमाणु हमले की बात कर रहे हैं। आइए जानते हैं दोस्तों, उन्होंने आगे क्या क्या कहा है। कश्मीर मसले पर दुनिया भर में अलग थलग पड़ चुका पाकिस्तान अब परमाणु हमले की गिदड़ भभकी देने पर उतर आया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने सोमवार को कहा, क्या वे बड़े देश सिर्फ अपने आर्थिक हित ही देखते रहेंगे? उन्हें याद रखना चाहिए, दोनों देशों के पास परमाणु हथियार है। परमाणु युद्ध में कोई विजेता नहीं होगा। ये न सिर्फ इस क्षेत्र में कहर बरपाएगा, बल्कि पूरी दुनिया में इसके परिणाम भुगतने होंगे, ऐसा इमरान खान बोल रहे हैं। आगे देखिए उन्होंने क्या क्या बोला है। हताशा में इमरान खान ने यहाँ तक कहा कि वह संयुक्त राष्ट्र महासभा समेत हर अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर कश्मीर मसले को उठाएंगे। उठाओ, देखो क्या मिलता है आपको, उठाइए। फ्रांस में G7 सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद राष्ट्र के नाम के संबोधन में इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान आवाम को आश्वस्त किया कि उनकी सरकार तब तक कश्मीरियों के लिए लड़ेगी जब तक भारत घाटी में पाबंदियां नहीं हटा लेता। तो भाई वहाँ पाबंदी लगी कहाँ है? पाबंदी लगी ही नहीं भाई। अगले महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने प्रस्तावित संबोधन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, मैं दुनिया को इस बारे में बताऊंगा, जिन राष्ट्र अध्यक्षों के साथ मैं संपर्क में हूँ उनके साथ मैं यह विचार साझा करूंगा। मैं मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में भी उठाऊंगा। जहाँ उठाना है वहाँ उठा लो, आपको कुछ नहीं मिलने वाला सिवाय अंडे के। इनको जब मुस्लिम कंट्रीज़ का साथ नहीं मिला, चाइना का साथ नहीं मिला, टर्की का थोड़ा बहुत साथ मिला, ईरान का थोड़ा बहुत साथ मिला, बाकी किसी भी कंट्री का साथ नहीं मिला, तो अभी UN महासभा में जाके भाषण देंगे, देखते हैं इनके साथ में कौन कौन आता है। वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर है ना, शाह महमूद कुरैशी, वो बोल रहे हैं पाकिस्तान हर तरह के युद्ध के लिए तैयार है, पहले खाने का टेंशन करो मेरे भाई, फिर युद्ध करते अपन। वहीं दूसरी ओर आर्टिकल 370 पर बौखलाए पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने ऐसा ट्वीट किया कि ट्विटर ने उनको नोटिस भेज दिया। इतने मतलब प्रोपेगेंडा कर रहे हैं इन लोग, पुरानी पुरानी वीडियो उठाकर डाल रहे हैं ट्विटर पर और बोल रहे हैं इसको रिट्वीट मारो, हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जो कभी सफल नहीं होगा। जब यहाँ तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 सम्मेलन के बातचीत के दौरान पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच का ये मामला है, ये मामला बायलेटरल है, दोनों आपस में मिलके समझ लेंगे। और सेम यही बात नरेंद्र मोदी ने भी उनसे कही कि किसी भी देश को कोई कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे मसले में जो भी है, गरीबी का है, शिक्षा का है वगैरह, हम आपस में मिल बैठ कर समझ लेंगे, उसमें किसी को भी आने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो मुझे तो लगता नहीं पाकिस्तान जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ मुक्की खाएगा। आपको क्या लगता है? आपको कुछ और लगता है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, और मेरा एफर्ट आपको कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।